सोनभद्र से अरविंद तिवारी पत्रकार की खास रिपोर्ट। पति ने की दूसरी शादी, ससुराल में धरने पर बैठी पहली पत्नी, न्याय की कर रही मांग। पति ने कर ली दूसरी शादी, ससुराल में धरने पर बैठ पहली पत्नी मांग रही न्याय। पीड़ित महिला की माने तो 2013 में उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद दो जुड़वा बच्चे भी है। हमें घर से पति सास नंदोई ने ससुराल निकालवा दिया। 2019 से न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। 13 मार्च को पति की दूसरी शादी की जानकारी हुई तो हम ससुराल अपना और अपने बच्चों का हक न्याय मांगने आए हैं। हम बगैर खाए पिए बच्चों के साथ बैठे हैं, जब तक न्याय नहीं मिल जाता। दो बच्चों के साथ घर से बेघर कर दिया था पति व ससुराल वालों ने। पति ने मारपीट कर घर से निकाल दिया, कहा कि मायके चली जाओ और वहीं रहना, तुम्हारा खर्चा पानी वहीं भेजेंगे। शादी की बात पता चलने पर पीड़ित महिला अपने ससुराल मानपुर गांव पहुंची तो उसको धमकी देते हुए घर वाले ने धकेल कर बाहर निकाल दिया। पीड़ित महिला अपने ससुराल में घर के बाहर धरने पर बैठ गई, जिसके बाद घर वालों ने पति व नवविवाहिता को घर के अंदर बंद कर फरार हो गए। पीड़ित महिला न्याय की कर रही मांग। बता दे कि पीड़ित महिला 14 मार्च से ही घर से बाहर रह रही है और अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ भूखी पेट धरना कर रही है। महिला का कहना है कि मेरे साथ हुए अन्याय को न्याय मिले, यही गुहार लगाकर अपने घर के बाहर दो दिनों से धरने पर बैठी है। वही दो छोटे छोटे बच्चे को देखने पर लग रहा है कि अपने ही घर में रहने के लिए बच्चे को इंतजार है कि कब ताला खुलेगा। हम लोग घर में जाएंगे, हालांकि आस पड़ोस के लोग दो वक्त की रोटी की इंतजाम बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों महिला को अपने घर से बाहर रहना पड़ रहा है, आखिर कब मिलेगा इस महिला को न्याय। पीड़ित महिला न्याय के लिए गुहार लगा रही है, हालांकि घर वाले घर छोड़कर फरार है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि रीमा नाम की महिला अपने पति के घर धरने पर बैठी है। पत्नी को पता चला कि पति ने 13 मार्च को दूसरी शादी कर ली है। महिला अपने अधिकार के लिए धरने पर बैठी है। पुलिस व प्रोबेशन की टीम मौके पर पहुंची और पति के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। एक रिपोर्ट न्यायालय में भी भेजी जाएगी। ससुराल में धरने पर बैठी थी दो दिन से भूखे पेट से, क्या मामला है? ये थाना रॉबर्ट्सगंज में मानपुर गांव का एक मामला है, जिसमें रीमा देवी भूख हड़ताल पर बैठी हैं अपने पति के घर के सामने। और इन लोगों का विवाद अपने पति से है कि 4 वर्ष से भरण पोषण और अपने पत्नी के अधिकारों के लिए उन्होंने परिवार न्यायालय मुकदमा किया हुआ है। 4 वर्षों से मुकदमा संचालित है। इसी बीच में इनके पति के द्वारा 13 तारीख को पुनः विवाह कर लिया गया है और जिस महिला से विवाह किया गया है उसका नाम है बबीता। जैसे ही इनको जानकारी हुई तो ये इसके विरोध में अपने ससुराल के घर के सामने बैठ करके भूख हड़ताल कर रही थी। पुलिस और प्रोबेशन की टीम मानपुर गांव में पहुंची इनके आवास पर इस सच्चाई को जानने के लिए कि वास्तव में क्या इनके पति ने दूसरी शादी की है। तो यह सत्य है कि इनके पति ने एक दूसरी शादी 13 तारीख को की है। पत्नी का नाम है बबीता कुमारी। चूंकि मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है तो इसलिए पुलिस अपनी तरफ से इस मामले पर एक रिपोर्ट संज्ञानित कराते हुए बनाएगी, उसको न्यायालय में प्रस्तुत करेगी और साथ ही प्रोबेशन टीम भी अपनी तरफ से अलग एक रिपोर्ट कोर्ट में दायर करेगी। महिला की सुरक्षा किस तरह से की जाएगी अगर महिला के भाई आए हुए हैं? महिला के भाई वीरेंद्र कुमार आए हुए हैं जो उसको अपने साथ उसके बच्चों सहित लेकर के जा रहे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि साहब जब तक मामला है चल रहा है हम इस बहन को अपने पास रखेंगे और जब भी जो भी कोर्ट का निर्णय आएगा उसको मानेंगे। अब वीरेंद्र जी क्या है, आपकी बहन यहाँ धरने पर बैठी है, क्या मामला है? सर यहाँ शादी हम किए थे तो जुड़वा बच्चे भी हैं, 5 साल के हो गए हैं, उसके बाद इसको रखने के लिए तैयार नहीं है तो दूसरी शादी कर ली है चोरी से। तो आप लोग आपत्ति नहीं किए? सर हम लोग जब पता चला तो अभी तक तो कल परसों दिन किए हैं शादी। तो ये बता रहे हैं क्या उनका मुकदमा भी चल रहा है न्यायालय में? जी सर। तो ऐसे कैसे शादी कर सकते हैं? तो सर अब ये तो यही बताएंगे ना कि क्यों कर लिए, सर न्यायालय में चल रहा है इसका, उसके बाद भी चोरी से जा करके कर लिए। तो अभी आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी? सूचना सर हम लोग महिला थाना और हिंदवारी चौकी अब दे दिए हैं। तो क्या करें पुलिस के? महिला थाना सर बोली के ठीक है जाइए, हम लोग के बस का ये नहीं, जब कोर्ट में मामला है तो हम लोग के बस पे नहीं है, चौकी पर दिए हैं द्वारी चौकी पे, तो बोलेंगे ठीक है हम बुलवाते हैं उसके बाद जो भी थोड़ा बताएंगे। तो आपकी बहन कितने दिन तक बैठी रहेंगी, कुछ इसका हल निकलना चाहिए? सर अब आप लोग
भाई प्रशासन यहाँ के जो चाहे अपना उचित कार्रवाई करके अपना जो भी कुछ सहयोग करें। लोग भी सब लोग सब लोग और लोग पता नहीं कहाँ निकल गए ताला भर के, रहने नहीं दे रही हूँ घर में। तो क्या कहा फोन लगा? क्या सर क्या कह रहा है सब आदमी? क्या हम घर में नहीं रहने देंगे, हम यही रहेंगे। तुमको अपना केस मुकदमा लड़ रही हो जाओ, केस मुकदमा जो फाइनल होगा वो कोई से जो कहा जाएगा वही हम करेंगे मानेंगे।